أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, viewers of Shine Leaders Academy, welcome to our academy. वीडियो है जो कि फिजिक्स टेस्ट नंबर 19 के ऊपर बेस करती है. इस वीडियो के अंदर हमने वो तमाम जो कि आपके पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी नेवी और एयरफोर्स के अलावा जो ASF है उसके टेस्टों में भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये प्रीवियसली भी जितने पेपर हैं उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हुई हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी यही क्वेश्चन आपके 100% आएंगे. लिहाजा आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लें ताकि आपके आने वाले जितने टेस्ट हैं आपके लिए बहुत ही आसान रहे. चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ. क्वेश्चन नंबर वन, द लाइट रीचेज ऑन द अर्थ फ्राम सन. जी स्टूडेंट, यहाँ पर मैं ज़रा हाईलाइटर लगा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो. और लेज़र के लिए ये यूज़ करते हैं हम कलर. जी सबसे पहले हम देखते हैं, द लाइट एक्सेस, द लाइट रीचेज ऑन अर्थ फ्रॉम सन थ्रू. जी द लाइट रीचेज ऑन द अर्थ, जमीन के ऊपर लाइट कैसे पहुंचती है सन की तरफ से, थ्रू रिटार्डेशन, थ्रू रेडिएशन, थ्रू कंडक्शन एंड थ्रू वाइब्रेशन. जी इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रेडिएशन के जरिए से ही आपकी लाइट सूरज से जमीन पर पहुंचती है. स्टूडेंट्स आज का दूसरा क्वेश्चन, बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी. जी बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान में द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, टू द प्रोडक्ट बिटवीन द मैसेस एंड टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस. देखिए जनाब इसका जवाब एक्यूरेट ऑप्शन ए है. जो क्वेश्चन नंबर थ्री है, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन यूनिट मास अप टू 1 CO इज कॉल्ड. जी स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, और एक्सटर्नल हीट कैपेसिटी. क्वेश्चन नंबर थ्री का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है स्पेसिफिक हीट. ऑप्शन नंबर A is the correct answer of this question. Friends, question number 4, when a body is placed between convex mirror and its focus point, then its image will be smaller, real and inverted, virtual or real. Ji bataiye iska kaun sa durust option hai. Question number 4 ka jo durust option hai that would be real and inverted. Real and inverted is the right answers to the question number 4. अगला क्वेश्चन है, इन एनी सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, टू द एरिया ऑफ वायर, टू द रेजिस्टेंस, टू द पोटेंशियल डिफरेंस. जी चार ऑप्शंस हैं, इनमें जो दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का वो है पोटेंशियल डिफरेंस. स्टूडेंट्स योर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 6, द रे फॉलिंग ऑन द सेंटर ऑफ मिरर पासेस थ्रू पैरेलल फोकस, फोकल लेंथ, नॉर्मल. चार ऑप्शंस हैं आपके पास, दुरुस्त ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का जो है दैट इज पैरेलल, पैरेलल थ्रू पैरेलल. 7 नंबर क्वेश्चन एमसीक्यू, लिमिटिंग फ्रैक्शन इज ऑलवेज देन रोलिंग फ्रिक्शन, इज ऑलवेज लेस देन, इज ऑलवेज कोफिशिएंट, इज ऑलवेज इक्वल टू, इज ऑलवेज ग्रेटर. क्वेश्चन नंबर 7, जी 7 का जो ए ऑप्शन है always less than rolling friction, the limiting friction is always कम होती है less than the rolling friction. The potential energy of a body changes directly with the mass and velocity with the height, directly with both mass and height, diversely with the mass and directly with the height and none of these. Question number 8 का जो दुरुस्त option है वो option number B है, that is directly with the both mass and height. Students, question number 9, when a bus suddenly stopped due to man receives an impulse in forward direction. जी जब बस चलते चलते एकदम रुकती है तो बंदे को झटका लग के बंदा अगली सीट के साथ जाके टच होता है, तो किस वजह से है? That is due to illness, third law of motion, law of inertia or second law of motion. जी question number 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जो दुरुस्त जवाब है दैट इज द लॉ ऑफ द इनर्शिया.
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 द रेनबो इज द रिजल्ट ऑफ डिफ्रेक्शन इंटरफेरेंस रिफ्रेक्शन रिफ्रेक्शन जी क्वेश्चन नंबर 10 का जो दुरुस्त जवाब है वो है दैट इज रिफ्रेक्शन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 द पिच डिपेंड्स अपॉन जी पिच आवाज की जो पिच है वो डिपेंड अपॉन करती है उसका सारा निसार है फ्रीक्वेंसी के ऊपर एको स्पीड या एम्पलीट्यूड के ऊपर जी बताइए जवाब क्वेश्चन नंबर 11 का जो दुरुस्त जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज फ्रीक्वेंसी डियर स्टूडेंट्स हमारा अगला सवाल चूज द रेशियो ऑफ द इनपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड जी एफिशिएंसी पावर वेलोसिटी मैकेनिकल एडवांटेज जी इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 का दैट इज द एफिशिएंसी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा तीसरा सवाल ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑन जंक्शन जी कौन से जंक्शन पे होता है एनपीएन पीएनपी रेटिफायर और बोथ ए एंड बी एनपी और पीएनपी क्वेश्चन नंबर 13 का जो दस जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी यानी कि उसमें एनपीएन भी है और पीएनपी भी है दोनों जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर कंसिस्ट करते हैं If we do below the center of gravity of the body, then it is equilibrium, neutral, temporary, stable, unstable. कौन सा equilibrium है जी? वो 14 number का जो दूसरा जवाब है, that is the stable. If we do below the center of the gravity of the body, then it is stable equilibrium. A student's question number 15. Which one of the following is vector? जी, which one of the following is the vector quantity? Mass, work. Density, weight. और इसका जो दुरुस्त जवाब है दैट इज द वेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी आज के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं आपकी सेक्शन के टेस्ट में इधर आप एयरमैन के लिए अपीयर हो रहे हैं एयरवुमन के लिए या आप पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी नेवी में एज ए कमीशन ऑफिसर तो रिटन टेस्ट में जो फिजिक्स का जो पेपर है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चूंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं लिहाजा आप लोगों को भी इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए हमारी एकेडमी जिसमें ऑनलाइन क्लासेस और फेस टू फेस क्लासेस की फैसिलिटी भी है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोर्स भी हमने शुरू कर रखा है और अजीज तलबा व तालिबात जो समझते हैं कि उनकी अंग्रेजी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो हमारे पास तशरीफ लाएँ हम इंशाल्लाह विद इन वन मंथ अगर वो टू मंथ्स का कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें इंशाल्लाह हम सारी ग्रामर और स्पोकन वोकैबुलरी हर एक चीज़ इंशाल्लाह हम उसमें कवर करेंगे और विद इन टू मंथ्स वो फर इंग्लिश बोलेंगे और बड़ी नामिल सी फीस है आप तशरीफ लाएं क्लासेस जारी हैं हमारी हमेशा ही से इसने अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है अपने स्टूडेंट्स का वो स्टूडेंट्स जो कि हर एक डिफरेंट कोर्स के लिए अलहदा से फीस नहीं पे कर सकते हैं तो हमने एक ही फीस के अंदर तमाम कोर्सेज करवाएं आप इनिशियल टेस्ट दे रहे हैं आप ISSB का दे रहे हैं या आप एयरमैन एयरवुमन या सिविलियन के लिए पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स नेवी में आप टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक ही फीस के अंदर ये हमारा बिल्कुल मिशन है कि हम उस बच्चे को कम्प्लीटली सारा सिलेबस कवर करा दें अकेडमी में पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए जितने भी रिटन और एकेडमिक टेस्ट हैं उनकी भी तैयारी शुरू है क्लासेस हमारी साल के 12 महीने रेडी रहती हैं एडमिशन जारी हैं आप तशरीफ ला सकते हैं वो स्टूडेंट जो कि दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर अकेडमी में नहीं आ सकते तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की भी फैसिलिटी मौजूद है और इसके अलावा हमारे स्टूडेंट की आसानी के लिए जो घर पर प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है गूगल में जाकर लिखें शाहीन लीडर्स एकेडमी वहाँ से आप देखेंगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी www.shaheenleaderacademy.com वहाँ पे क्लिक करें तो वहाँ पे आप ऑनलाइन तमाम टेस्टों की तैयारी घर बैठ के भी कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसके अंदर सब्जेक्ट वाइज बाकायदा से प्ले लिस्ट मौजूद है प्ले लिस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप हर किस्म की वीडियोज मटीरियल जो कि आपका रिक्वायरमेंट का है पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी नेवी ज्वाइन करने के लिए ASF ज्वाइन करने के लिए आप उसमें से अपने जो एक रिक्वायर्ड मटेरियल है वो आप देख सकते हैं और वहाँ से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं हमारे चैनल पर नए हैं उनसे ये गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक करना ना भूलिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी तब तक अपना ख्याल रखिए अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे पाकिस्तान आर्म फोर्सेज़ जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद